काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे झटके मार रहा है। तो अभी अभी हम लोगों ने झटका खाया और यहाँ से वर्टिकली उठा के सीधे आप लोगों को ऊपर ले जाएगा और ऊपर लेके फिर नीचे आएगा। और यहाँ पे निको पार्क के अंदर यहाँ पे रोप वे भी है, यहाँ पे अप एंड डाउन हो रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपने केमन आछे? तो फिर से स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। तो आज मेरा कोलकाता में दूसरा दिन है और पहले दिन में मैं चार जगह घूमा था। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सारे वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पर निको पार्क घूमने और आज मैं निको पार्क को पूरा एक्सप्लोर करूँगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो दोस्तों, ये जो है ये निको पार्क का मेन एंट्रेंस गेट है और बाकी इसके राइट साइड में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं ये हेल्प यू काउंटर है, यानी कि इंक्वायरी काउंटर है। और जस्ट उसके बगल में यहाँ पर ऑफलाइन टिकट काउंटर है। और ये जो इसका मेन एंट्रेंस है, तो इसके मेन एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये जो है ये इसका ऑनलाइन टिकट काउंटर है। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और जो इसका टिकट काउंटर है वो यहाँ पे 10:30 बजे खुलता है। तो यहाँ पे निको पार्क में दो मोड में टिकट मिलते हैं। जो पहला टिकट है उसका प्राइस 300 रुपये है, जिसमें कि आप लोगों को 13 राइड्स मिलते हैं और जो आप मेन पार्क है वो आप लोग पार्क घूम सकते हो। और जो इसमें दूसरे टिकट का टाइप है उसका प्राइस 850 रुपये है, जिसमें कि आप लोगों को सारे राइड्स फ्री में मिलेंगे और आप लोग पार्क भी घूम सकते हो और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे एक वाटर पार्क का भी पैकेज मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पे टिकट काउंटर ओपन हो चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे टिकट लेने। तो फाइनली यहाँ पे मैंने टिकट ले लिया है और ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसका टिकट है। और मैंने 300 वाला टिकट लिया क्योंकि अंदर जाने के बाद मुझे जो भी एडवेंचर अच्छा लगेगा वो मैं करूँगा। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हम लोग अंदर और करते एक्सप्लोर निको पार्क। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने टिकट वेरीफिकेशन कराया और यहाँ से मैं इंटर कर चुका हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे एंट्री करने के बाद आप लोग देख सकते हैं, ये एंट्री करने के बाद कुछ ऐसा भी हुआ इसका। तो यहाँ एंट्री करने के साथ ही ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्लोब का मॉडल बना हुआ है जिस पे कि निको पार्क लिखा हुआ है और ये रोटेट हो रहा है। बाकी ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ इल्यूजन इफेक्ट्स है जिसमें कि आप लोगों को जो आपका सेफ है वो अलग अलग दिखाई देगा। और ये यहाँ पे निको पार्क का पूरा मैप है जिसमें कि इस जगह के बारे में बताया गया है। और जो हमें यहाँ पे 13 राइड्स मिलेगी ये 300 वाले टिकट के अंदर, तो वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे पहला एडवेंचर करने के लिए हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग करेंगे अपना फर्स्ट राइड। और जो यहाँ पर रास्ता है वो पूरा रोटेटिंग है, आप लोगों को रोटेट कर करके जाना होगा यहाँ पर। और यहाँ पे अगर आप लोग 850 वाला टिकट परचेज कर रहे हो तो आप लोगों को ये बैंड मिलेगा और ये बैंड में आप लोगों को सारे राइड्स फ्री मिलेंगे। फाइनली हॉर्स राइडिंग करने के लिए यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो फाइनली ये रहा हमारा हॉर्स और मैं अभी सवारी करूँगा इसकी। तो यहाँ पे मैं बैठ चुका हूँ और बाकी इंतजार करते हैं इसके चालू होने का। तो यहाँ पे अभी मैं हॉर्स राइड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ पे बचपन की यादें ताज़ा होने वाली है और बड़ा होने के बाद हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे हॉर्स राइड करने आए हैं। और यहाँ पे मेरे साथ काफ़ी सारे लोग भी हैं, इधर आप लोग देख सकते हैं। चलो नाम क्या है? अभी ये कुछ देर में स्टार्ट होगा तो करेंगे हम लोग हॉर्स राइड। तो फाइनली यहाँ पे हॉर्स राइडिंग स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है आप लोगों को। ये आप लोग देख सकते हैं इसमें ये कितना ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस लिटरली। तो अगर आप लोग कोई भी टिकट लेके इंटर करते हो 300 वाले या 850 वाला, तो उसके अंदर आप लोगों को ये वाला जो राइड है वो फ्री मिलेगा। तो गाइस फाइनली हमारा हॉर्स राइड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और ये लगभग यहाँ पे 2 मिनट का था और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे और बचपन की यादें ताज़ा हो गई। तो यहाँ से निकलते हैं हम लोग आगे और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कौन सा राइड मिलता है हम लोगों को। तो निको पार्क के अंदर एंट्री करने के बाद जो हमारा फर्स्ट राइड था वो हॉर्स राइड था और वो एंट्री के साथ ही इसके राइट साइड में है। और उसके और राइट साइड में यहाँ पर
इधर मिरर मैच है और फिर यहाँ पे जो ये है ये गेम जोन है। तो इसके लिए आप लोगों को अलग से टिकट लेना होगा। अगर आप लोग इसके अंदर 850 वाला भी टिकट लेके आ रहे हो फिर भी आप लोगों को इसके लिए अलग से टिकट लेना होगा। और इसके अंदर जो भी एडवेंचर है या फिर जो भी गेम है वो आप लोग इन्जॉय कर सकते हो यहाँ पर। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये स्काई डाइवर है और जिसमें कि आप लोगों को सीट पर बैठना होता है और यहाँ से वर्टिकली उठा के ये सीधे आप लोगों को ऊपर ले जाएगा और ऊपर लेके फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पे ये है शूट द फूट राइड और ये जो 850 वाला टिकट था उसके साथ ये टोटली फ्री है। और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे इसका टिकट काउंटर है। तो अगर आप लोग यहाँ पे 300 वाला टिकट लेके आ रहे हो तो आपको यहाँ से अलग से 100 रुपये का टिकट लेना होगा और उसके बाद आप लोग यहाँ पर शूट द फूट राइड जो है उसको कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये सेल्फी पॉइंट है, एक फ़ोटो खिंचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेस है। और बाकी यहाँ पे जो एडवेंचर है ये इसका नाम मून रेकर है। तो आइए हम लोग इंटर करते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि कैसा रहता है ये। सो ये जो मून रेकर एडवेंचर है यहाँ पे, मून रेकर राइड है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस लगा इसलिए मैंने इसका टिकट लिया और यहाँ पर मैं राइड करने आ चुका हूँ। और ये जो इसका टिकट प्राइस है वो 40 रुपीज़ है। तो यहाँ पर आपको टिकट वेरीफिकेशन करवाना होगा। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो मून रेकर है वो स्टार्ट हो चुका है। ओ माय गॉड, और यहाँ पे स्टार्ट होते ही ये काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं एक मून के अंदर। तो एंट्री करने के बाद ये रोटेट किया इसने, ये देख सकते हैं आप लोग। तो अभी यहाँ पे हम लोग ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे झटके मार रहा है। तो अभी अभी हम लोगों ने झटका खाया और मेरा कैमरा ऑफ हो गया यहाँ पे, तो वो वाले सीन को मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर पाया। तो अभी मैं अपने फ़ोन को पूरा होल्ड कर लेता हूँ टाइटली क्योंकि यहाँ से ये आगे ले जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा तेज झटके मारता है। बाकी ये देख सकते हैं आप लोग काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये ट्रेन रोटेट हो रही है हमारी। और यहाँ पे इसने फिर से स्पीड कर लिया है। तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है। तो फाइनली यहाँ पे अभी हम लोगों ने मून रेकर किया और मैं यहाँ पे भैया से रिव्यू लेता हूँ। तो भैया कैसा लगा आपको? टू गुड। आप यहाँ पर आइए और एंजॉय कीजिए आप मेरे को पार्क का। बाकी बीच में डर लगा कि नहीं आपको जो स्पीड बढ़ाया था? एडवेंचर है, फुल्ली पैसा वसूली है, आप आइए और एंजॉय कीजिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहूँगा। ठीक है। तो ये जो मून रेकर राइड था ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है भाई साहब। बीच में जो ट्रेन थी, टॉय ट्रेन थी, उसने 2 बार स्पीड पकड़ी और यार ऐसा तो लगा कि मेरा फ़ोन गया मेरे हाथ से, बट ट्राइपॉड था तो मेरा फ़ोन बच गया। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इसके अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पैसा वसूल है। सो अगर आप लोग निको पार्क के अंदर आ रहे हो 300 वाला टिकट लेके तो आप लोग मून रेकर राइड ज़रूर करो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। और यहाँ पर निको पार्क के अंदर यहाँ पर रोपवे भी है। सो अगर आप लोग ये राइड इंजॉय करना चाहते हैं तो इसके अंदर आके कर सकते हैं और ये भी 850 वाले टिकट के साथ फ्री है। और अगर आप लोग 300 वाला टिकट लेके आ रहे हैं तो आप लोगों को इसके लिए एक अलग से टिकट लेना होगा। शो मैं रोपवे पे राइड किया हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे एडवेंचर नहीं करूँगा। और ये वाला जो रोपवे है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, वो बहुत धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। और ये यहाँ से रोटेट होता है और रोटेट होने के बाद ये वापस लेके चला जाता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्लो रोटेट हो रहा है ये, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आ गया हम लोग एग्जिट गेट्स लास रहे हैं कि जो हमारा एग्जिट है वो कहाँ से है।